अच्छा, जिन्होंने सुनीता जी को उस समय नहीं देखा जब इनकी नई नई शादी हुई थी, आप देख सकते हैं आज. कितना डिट्टो है ना बाजी. फोटो स्टैप. टीना मुझे एक बात बताइए. हाँ जी. आपने सिर्फ एक फिल्म की है और आपके बारे में ये भी सुन चुकी कि 25-30 आप मना भी कर चुकी हैं, तो आपको फिल्म करने में से ज्यादा मजा रिजेक्ट करने में आता है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि मुझे कुछ मजा नहीं आता है, बट एक क्या होता है जब आप एक स्टार किड होते हैं तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, बहुत सारा ड्रॉबैक्स भी होता है और बहुत सारे प्लस पॉइंट्स भी होते हैं. सो जस्ट टू बी केयरफुल अबाउट एवरीथिंग, यू हैव टू बी चूजी. सो दैट इज अ रीजन. तो आपको मम्मी और पापा में से दोनों में से डर किससे लगता है ज्यादा? स्पेशल वजह उसकी, मतलब पापा नहीं डांटते बिल्कुल? नो, नॉट एट ऑल. अच्छा, कितने कमाल की बात है ना, दोनों को इन्हीं से डर लगता है. पापा को मम्मी से लगता है, बेटी को मम्मी से लगता है. टीना, जब से आपने होश संभाला है आप पापा को ऐसे देखते आई हैं? घर में कैसे हैं, आपके साथ कैसे हैं? दूसरों के लिए तो सुपरस्टार है. नो नो, फॉर मी ही इज एक्चुअली लाइक अ नॉर्मल पंजाबी फादर. नॉर्मल पंजाबी फादर. या या, मतलब उनको जैसे ही पता चल जाता है कि आई हैव अ क्रश ऑन समबडी, जहां पे वो लड़का मिल जाए पहले ही उसको इंसल्ट कर देते हैं. मुझे लगा भाग के जाते कि अच्छा बेटी तुझे को पसंद है, इंसल्ट कर देते उसको. या या, कंप्लीटली लाइक अ प्रॉपर पंजाबी फादर. अच्छा टीना, आपको क्या लगता है कि आपको या आपके भाई को ज्यादा छूट किसे मिली है घर में, कि ये जितनी मर्जी शैतानी कर ले इसको कोई कुछ नहीं कहेगा, ये हमारा लाडला है? आप है कि भाई छोटा, वो आपसे छोटा ना? या, बट उस पे ज्यादा नजर रहती है, सो आई थिंक इट्स मी हु गेट्स. उस पे ज्यादा नजर रहती है? या, कुछ ज्यादा ही. ऐसे क्यों, क्या कारण लगता है आपको? He's little, उसको थोड़ा सा मम्मी ने बहुत ज्यादा एकदम कॉटन की तरह वो किया, तो बचपने की वजह से. हाँ, एंड लाइक वो अब्रॉड भी गया था एक साल के लिए. आई थिंक एवरी मंथ माई मॉम हैज गॉन टू लंदन जस्ट टू मीट हिम. मैम, आपको सच्ची में चिंता थी कि बच्चा ध्यान से रह रहा है कि आपका अपना दिल करता था घूमने का? इसलिए चाहते कि बिगड़ ना जाए लड़का, हाथ से ना निकल जाए. तो कभी सरप्राइज मिला आपको, कभी आप गई हो तो कुछ सरप्राइज मिला? हिम्मत ही नहीं है. इतनी हिम्मत ही नहीं है? तो जब आप लंदन जाती थी तो पीछे गोविंदा सर पे नजर कौन रखता था? पता चला बेटे का ध्यान रखिए, पते निकल गए. इनको तो छूट दिया हुआ है. इनको छूट दिया है, कुछ करते ही नहीं है. अच्छा, ये अच्छा है, अभी कुछ करते नहीं, इतना अच्छा बोल बोल के जब आदमी कर दे तो फिर बोलते हैं कि क्या करा क्यों. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड समटाइम्स सर. आई डोंट माइंड डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स, बट देन यू नो व्हाट द प्रॉब्लम इज, यू शुड नॉट डिस्कस टू मच इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ. या या, वाह वाह, हजूर हजूर. मैंने सोचा था हजूर बेटा, हजूर बेटा, वेयर आर यू? देख मैं तेरे लिए क्या गिफ्ट लाई हूं. कहां है गिफ्ट? ये है ना आशीर्वाद. तुम यहाँ भी बताइए शेरी, इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता. नहीं ना. रीता मैम, आपके पति के साथ शेरी मैम डांस कर रही है, क्या करना चाहेंगी आप? इनको, इनका मुंह तोड़ना चाहेंगे, ईंट मारना चाहेंगी? नहीं, मैं तो बोलने वाली हूँ, और चिपक के करो. सुनीता दीदी, आप यहाँ? मतलब यहाँ के तीनों मेरी बच्ची कितनी सोनी है. How are you बेटा? Thank you. हाय हाय, हु बहु मुझ पर गई है ये. नानी, खुद तो ऋषि कपूर पे गई है. नानी क्या बात कर रही है? Once again. नहीं, ऐसा कुछ नहीं, गैस कर. आपको पता है चीची, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ. हाँ बहन बोलिए. दीदी, कप्पू के नाना ना, वो अभी राजा बाबू थे. बिल्कुल. क्या राजा बाबू के? वो वैसे ही शक्तिपुर साहब जैसे थे, आधा कच्चा पहनते नाला पूरा अटक पे ऐसे लिटता हुआ चलता था उनका. झूठ बोलती थी, कुछ भी बोलती है तुम. जो भी हो, मैं उनको राजा बाबू कह के पुकारती थी. हाँ, और नाना इसको मिंटुकले पिंटुकले बोलते थे. क्या याद दिलाए तूने कप्पू. चीची, आप आए हो तो एक बार निंटुकले पिंटुकले हो जाए प्लीज, एक बार उसी मूड के साथ, उसी अंदाज में, आंखों में आंखें डाल के. हटा साउंड. अड़ा सावन की घड़ा खा गुजा बत्ती बजा के सो जा, क्या निंटक ले पिंटू के लिए मंटी पे खड़े ली अंटी बजा ली बार बार घंटी, कुल्ला घुमा के पच्ची को पलट ले, वो तो क्या फुटले बटले चारा. नानी, तुम ऐसे क्यों बैठी हुई, आराम से बैठो ना, इधर आओ. अब बातें करो आराम से.
अगर वो तुझे उठा लेते ना तो फिर उठ नहीं पाते। जी आप यहाँ पर आए, मतलब आप आए और मैं ना हूँ, ऐसा हो तो सकता नहीं ना। सही, गोविंदा आए और दही हांडी ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है? सर ये स्ट्रॉबेरी दही हांडी फोड़ेंगे आप? हीट मार के फ्लेवर्ड हांडी है ये। थर्मामीटर है ये, किस लिए? अपने मुंह में डाल लीजिए। मुझे कौन सा बुखार है? नहीं नहीं वो तो नहीं है, बस मैं चाहती हूँ कि आपका मुंह थोड़ी देर के लिए बंद रहे। मैं कह रही थी कि देखिए आप मेरी नस नस में बसे हुए हैं, मतलब मैं एक नर्स हूँ और आप मेरी नसों में बसे हैं, इसलिए नस नस। एक छोटा सा सुझाव था कि व्हाई डोंट यू मैरी मी बंपर। बंपर तुम्हारा दिमाग खराब है? उनको वॉल्वो के ट्रक के नीचे नहीं आना। बंपर तुझे पता है कुली नंबर वन में ना तेरे से बड़ी बड़ी पेटियां उठा के फेंकी उन्होंने। करीम मत, पागल है तू? वो देख उनकी बीवी आई है साथ में, बेटी है उनकी। ओह हेलो मैम, हेलो बेटी। तेरी जुर्रत कैसी हुई मसुंडी? मेरे सामने चीची से डायरेक्ट बात कर रही है तू? तो क्या बीच में एक मैनेजर लाऊं इनसे बात करने के लिए? और मुझे बताइए कि मैं डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर सकती? हीरो नंबर वन की सबसे नंबर वन फैन कौन है? मैं। हमेशा मुझे इशारे करते हैं, मुझसे कहते हैं कि टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी, टेरिस पे मिलोगी या बेसमेंट में मिलोगी। वो ये कहते थे कि तुझे ट्रक के नीचे दूं कि ट्रक के तेरे को ऊपर चढ़ाऊं। हाँ। ये बोलते रहे तेरे को। ये मुझे ट्रक यहाँ है। हाँ। मैं हूँ ये कैसा, मतलब कैसी, किस टाइप की नॉलेज है आपकी? कहीं आपने भी बिहार बोर्ड से टॉप तो नहीं किया है? ए उसके मुंह क्या लग रही है? मुझसे बात कर, मुझसे। हाँ तो कर रही हूँ, करो बात। हाँ सबसे बड़ी फैन मैं हूँ। मैं हूँ जी। ठीक है ये देख लेते हैं कि हम दोनों में से सबसे बड़ा फैन कौन है। हाँ, और बंपर, नानी को काट ले, काट ले, काट ले नानी को, इधर काट के घड़ी बना दे हाथ पे। ऐसे पता चलेगा? नानी वैसे तो लेडीज से पसीना तुझे मर्दों वाला क्यों आ रहा है? अंदर गर्म हो रहा है। ये देखो पाजी, गांव बसा नहीं और चिड़िया चुग्गे खेत। क्या फालतू बात कर दी तुमने? जो बातें आप कर रहे हो उनसे क्या यूपीएससी क्लियर होती है? आठवीं फेल की मार्कशीट जैसा मुंह है, बातें यूपीएससी की। वाह। हेलो मैम, हेलो, हाय भाई, तुम्हारे मुंह पे इतनी बातें होती रहती हैं, हैं? तुम अपने मुंह पे लिखी क्यों नहीं लगा लेते? पेज पे बात करना मना है, जैसे दीवारों पे लिखा होता है कि गधे के पूत यहाँ पे मत थूक। तो आप तो फिर भी थूक जाते हो, आपको अपने गधे की तो रिस्पेक्ट ही कोई नहीं है। अरे मेरा भाई यार, तेरे मैं जुबान पे जक्ष लगा के सुझा दो तो मेरे इम्तिहान ले रहा मेरा। एक मिनट यार, मेरे मेहमान आए, मुझसे बात करने दो। तेरे मेहमान? गोविंदा जी नमस्कार। नमस्कार जी। हेलो जी, नमस्कार, कैसी हैं आप? ठीक है। चल तेरी बात का जवाब नहीं दे रहा उन्होंने। चलो सर जल्दी जल्दी केक काट दे, ये तो केक इसके मुंह जैसा हो जाएगा खराब। चलिए आइए, जल्दी जल्दी काटते। कैंची का है? कैंची? कैंची? अरे भाई हेलो, कैंची से केक कौन काटता है? दांत से मैं केक काट के दिखाता हूँ। कल ही डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अरे मेरे प्यारे डॉक्टर साहब, इधर आइए, तो बैठिए, इसका बर्थडे है, वो केक काटेगा, आप क्यों केक काट रहे हैं? ऐसे कौन विश करता है यार? मैंने आपको मैं एक बात बता दूं सर, आज थोड़ा सा बर्थडे मेरा भी है। तो थोड़ा सा? क्योंकि मैं ना स्लोली स्लोली काफी दिन तक पैदा होता रहा। अरे लेजेंड ऐसे ही पैदा हुए हैं जितने भी, मतलब क्या लोग। आपने कभी लिप टू लिप थप्पड़ खाया ऐसे पटक करके? देखिए इनकी बेहूदगी की बातें तो चलती रहेंगी। टीना आप आइए, आप केक काट दीजिए। लेकिन उससे पहले कैंडल तो लगा लूं। इतनी लाइट ऑलरेडी है, कैंडल जरूर वेस्ट करनी है। बल्ब लगे हुए हैं, फिर क्या लाइट पर कैंडल? दिवाली में जला लेंगे। एक मिनट, आप पहले ये बताइए कि आपको केक के लिए जो पैसे दिए थे उसमें जो बचा होगा लौटा दीजिए प्लीज। क्या 47 रुपए बचे थे, उसकी मैंने चाय नहीं पिलानी आपको? भाई केक खाने के बाद चाय कौन पीता है? मेरे पैसे दे रहे 7 रुपए, मेरा हिस्सा जो बनता है। ओए चंदू, तूने केक चंदे के पैसे से इकट्ठा किया तूने? और मैं बैंक से लोन लेता। मैंने कहा भी सबने केक खाना, मैं अकेला पैसे क्यों खर्चूं? ये नहीं ये जरूर। अच्छा गोविंदा सर जल्दी जल्दी केक काट दें, डॉक्टर साहब के मुंह पानी आ रहा है, सोफा ना गीला कर दे। आइए आइए मैम, आइए। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। क्या हुआ? केक
उसी को मिलेगा जो गिफ्ट देगा। अरे गिफ्ट तो भी लाई थी, गिफ्ट का वहाँ ये ले ले, जुक जुक जियो। गिफ्ट तो मैं भी लाई हूँ। चंदू बेटा चलो उल्टी लेट जाओ, मैं आपके लिए चॉकलेट लेके आई हूँ, चॉकलेट वाला इंजेक्शन लगा देती हूँ। सर पहले गिफ्ट चाहिए कपिल शर्मा जी। क्यों नहीं मिलेगा, कौन से मुंह पे चाहिए, लेफ्ट में कि राइट में? नहीं ये गिफ्ट आपको भी दे देना है। चलो केक केक काटना शुरू करते हैं सर। एक मिनट एक मिनट क्या, एक मिनट लगा के रखा, ऐसे तो केक कटेगी नहीं, ऐसे नहीं होता। टूथपेस्ट का टेस्ट क्यों आ रहा है, वो भी ऐसा नमक वाला टूथपेस्ट? नहीं नहीं शेविंग क्रीम है ये तो, शेविंग क्रीम। सब क्या बकवास कर रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा, मैंने पिछले हफ्ते खा के देखी है, सेम शेविंग क्रीम। चलिए फिर फाइनली केक काटे। हैप्पी बर्थडे। अब क्या होगा गोविंदा साहब? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे।